मिनिस्टर्स लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल में लग गई थी भीषण आग, सुरक्षित शिफ्ट किए गए सारे मरीज। नोएडा के सेक्टर 12 स्थित मेट्रो हार्ट अस्पताल में भीषण आग लग गई थी, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई थी। आग पर काबू पा लिया गया है और सभी मरीजों को सुरक्षित अस्पताल की सेक्टर 11 स्थित दूसरी यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में फंसे मरीजों को शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। बता दें कि गुरुवार दोपहर अस्पताल की बिल्डिंग अचानक धुएं के गुबार में घिर गई थी। इससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। कुछ मरीजों को बिल्डिंग के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। दमकल की करीब 6 गाड़ियों ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की काफी देर बाद भी चौथे फ्लोर से मरीजों को बाहर निकाला जाता रहा। अस्पताल में धुआं भर गया था, जिसकी वजह से मरीजों को शीशे तोड़कर निकाला जा रहा था। खबरों के मुताबिक अस्पताल में 30 से 40 मरीज फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित शिफ्ट कर दिया गया है। इस अस्पताल में कुल 5 फ्लोर है। सेकेंड फ्लोर से आग की शुरुआत हुई थी। सभी मरीजों को सेक्टर 11 के मेट्रो अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आग के कारणों का फिलहाल कुछ पता नहीं चल सका है। की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से हमने सिंधी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।